हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निक्स के और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप फ्लिपकार्ट से डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से ईएमआई पर मोबाइल कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट से डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के थ्रू भी ईएमआई पर मोबाइल या फिर कोई भी दूसरे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो कैसे आपको दोस्तों अपने एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू ईएमआई पर मोबाइल खरीदना है या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपको कैसे यहाँ से परचेज करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू ईएमआई पर मोबाइल या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डेमो बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट से डेबिट कार्ड ईएमआई पर मोबाइल खरीदने के लिए आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट में लॉग इन होना है और यहां से आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को सर्च करना है, जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं। मैं आपको यहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। तो दोस्तों अगर आपका फ्लिपकार्ट ऐप अपडेट नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी नया फीचर्स आएगा, जो भी नया ऑप्शन आएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च कीजिए जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं डेबिट कार्ड ईएमआई पर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक मोबाइल सर्च कर लेता हूँ, कोई भी एक मोबाइल फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडमी नोट 10s मोबाइल को सर्च किया है, चलिए मैं इस मोबाइल को चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे मोबाइल की एक फीचर्स बताई जाएगी, उसमें कितना स्टोरेज है, कितना रैम है, कितना उसका प्राइस है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे 16,499 है और इसका जो स्टोरेज है दोस्तों वो 128 GB है और रैम इसका 8 GB है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल का फीचर देखने को मिल जाएगा। EMI का आपको कॉस्ट देखने को मिलेगा, इसमें बताया जा रहा है EMI फ्रॉम 572 rupees पर मंथ, यानी आप 572 rupees पर मंथ देकर भी इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप ATM कार्ड डेबिट कार्ड के तो यहाँ पे EMI पर मोबाइल लेना चाहते हैं, तो चलिए अब अगला प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको लेना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको मोबाइल का फीचर्स चेक करने के बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखेगा, आपको स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना एड्रेस दिखेगा, अब आपको फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करने को बोला जाएगा, तो आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि UPI वॉलेट, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा EMI इजी इंस्टॉलमेंट का। तो अगर आप EMI पर लेना चाहते हैं तो आप EMI को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार EMI पर मोबाइल लेने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सभी बैंकों का आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डेबिट कार्ड ATM कार्ड के थ्रू EMI पर मोबाइल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, AU बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपका इनमें से किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ से मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है और आप EMI पर मोबाइल लेना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको डेबिट कार्ड ATM कार्ड पर मोबाइल खरीदना है। तो दोस्तों अब आपको फिर से ऐप के होम पेज पे आ जाना है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके एक बार जरूर चेक कर ले, अगर इसमें अपडेट आया है तो आप यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। अगर आपका अपडेट नहीं आया है तो आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मेरा अभी दिख रहा है मेरा ऐप अप टू डेट है। तो दोस्तों जैसे आप ऐप के होम पेज पे आएंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रेडिट का, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो क्रेडिट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको डेबिट ATM कार्ड के थ्रू EMI पर मोबाइल मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको इंटरफेस दिखेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड EMI एंड पार्टनर ऑफर। तो यहाँ पे दोस्तों हाउ डज इट वर्क का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताई जाएगी डेबिट कार्ड से आप कैसे मोबाइल खरीद सकते हैं, डेबिट कार्ड पर आपको मोबाइल को परचेज करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है नाउ अवेल EMI इवन ऑन योर डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड पर EMI उपलब्ध है दोस्तों, आप डेबिट ATM कार्ड के थ्रू भी EMI पर मोबाइल ले सकते हैं, जिसमें बताया गया है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, आपके अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस होने का भी जरूरत नहीं है, आप ले सकते हैं बिना मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड के भी यहाँ से EMI पर मोबाइल। साथ ही यहाँ पे नो डॉक्यूमेंटेशन यानी कोई भी डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं
पड़ेगी, नो डाउन पेमेंट, आपको एक रुपया भी डाउन पेमेंट यहाँ पे नहीं देना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एलिजिबिलिटी को चेक करना है कि आपको डेबिट एटीएम कार्ड पर ईएमआई पर मोबाइल मिलेगा या नहीं। तो ये एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों एक नंबर मिलता है एसएमएस डीसीईएमआई 257575 टू चेक एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया है 57575, ये आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, यानी जो भी बैंक अकाउंट के साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और उसमें जो डेबिट कार्ड है, जो एटीएम कार्ड है आपका, उसी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको 5757 पर आपको एसएमएस करना है। तो आपको यहाँ पे इस नंबर पे DCEMI आपको टाइप करना है और 57575 पे आपको मैसेज करना है। किस प्रकार आपको करना है मैसेज, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको दोस्तों नंबर को डाल देना है, देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। अब आपको यहाँ पे जो टाइपिंग बॉक्स है यहाँ पे आपको लिखना है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है DCEMI। इसके बाद आपको मैसेज को सेंड कर देना है। आपको ये दोस्तों अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही इस मैसेज को आपको सेंड करना है और आपको 57575 पे ही इस मैसेज को सेंड करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 57575 पे मैसेज करते हैं तो आपको एक फ्लिपकार्ट कंपनी की ओर से रिस्पॉन्स मैसेज आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड पर मोबाइल मिल जाएगा। तो आपको एक रिस्पॉन्स मैसेज मिलेगा, कुछ देर के अंदर ही आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा और आपको उस मैसेज में बताया जाएगा कि आपको डेबिट एटीएम कार्ड पर मोबाइल ईएमआई पर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं आपको रिस्पॉन्स आने के बाद अगर इसमें आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको किस प्रकार मोबाइल को खरीदना है, यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे बता दी गई है। तो देख सकते हैं बताया गया है चेक फॉर डेबिट कार्ड ईएमआई अवेलेबिलिटी ऑन द प्रोडक्ट पेज। तो यहाँ पे आपको क्लिक ऑन बाय नाउ टू चेकआउट। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे चेक डेबिट कार्ड ईएमआई ऑप्शन ऑन पेमेंट पेज, तो आपको फिर से दोस्तों ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन को चूज करना है। अब जैसे आप वहाँ पे इजी इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अब आपको क्रेडिट कार्ड के नीचे दोस्तों आपको अपना डेबिट एटीएम कार्ड के थ्रू भी ईएमआई पर मोबाइल लेने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया दिया गया है सिलेक्ट योर एलिजिबल डेबिट कार्ड एंड डिसाइड टेनर टू कंप्लीट द परचेज। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फिर से आपको दोस्तों उस प्रोडक्ट को सर्च करना है जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे खरीदना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे किसी प्रोडक्ट को मुझे बाय करना है। तो चलिए मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, आपको स्किप टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर से आपको कंटिन्यू करना है, आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट पेज मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट पेज में यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेथड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको फिर से ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन को चूज करना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अभी आपके सामने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है और जैसे ही आप दोस्तों एसएमएस को सेंड करते हैं और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं डेबिट एटीएम कार्ड के थ्रू भी, आपको अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू मोबाइल मिलता है, अगर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है कि हाँ आप इसके लिए पात्र है, आप डेबिट एटीएम कार्ड के थ्रू भी मोबाइल खरीद सकते हैं, तो इसमें क्रेडिट कार्ड के नीचे आपको दोस्तों डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आ रहा है, नीचे आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और इसी प्रकार बैंकों का नाम रहेगा और लास्ट में डेबिट कार्ड लिखा हुआ रहेगा। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे उसी प्रकार आपको डेबिट कार्ड को भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे दोस्तों बताया जाएगा आपको मंथली ईएमआई पे करना है। जैसे कि जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसका प्राइस है 16,528 रुपये और अगर मैं 3 महीने के लिए यहाँ पे ईएमआई पर लेता हूँ, मंथली जो ईएमआई आएगा वो यहाँ पे 5,640 रुपये आएगा, ये 3 मंथ के लिए है। उसी तरह अगर मैं 6 मंथ के लिए मोबाइल को लेना चाहता हूँ तो 2869 रुपये आएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आप अपने हिसाब से कि आप कितने मंथ के लिए लेंगे और कितना आप ईएमआई पे करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है और वैलिड डेट जो है आपका कार्ड का जो मंथ और ईयर है वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपको सीवीवी नंबर डालना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके डेबिट एटीएम कार्ड के थ्रू जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डाल के कंफर्म कर देना है। तो आपका यहाँ पे मोबाइल बाय हो जाएगा और आपका जो भी ईएमआई होगा, जो ईएमआई आप सेलेक्ट करेंगे वो मंथली आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने डेबिट एटीएम कार्ड के थ्रू भी अब ईएमआई पर मोबाइल ले सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो को नीचे कॉमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।